दोस्तों, प्राणी विज्ञान हो या भौतिक विज्ञान, आप विज्ञान से जुड़ी हर एक बात को चाहकर भी कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि विज्ञान तो हर एक क्षण विकसित होता चला जा रहा है और हम लोग विज्ञान के साथ कुछ निर्दिष्ट समय तक ही साथ चल पाएंगे दोस्तों। परंतु आज जरा दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज ही इस वीडियो में शायद आपके होश भी उड़ सकते हैं, क्योंकि आज हम विज्ञान से कुछ होश उड़ा देने वाली बातों के बारे में बात करेंगे। फैक्ट नंबर एक, पृथ्वी के सतह के नीचे छुपा है एक खुफिया महाद्वीप। आपने अब तक अपने स्कूल के दिनों में पढ़ा होगा कि पृथ्वी में कुल 7 महाद्वीप मौजूद है, परंतु क्या आप जानते हैं पृथ्वी में 7 नहीं बल्कि 8 महाद्वीप मौजूद है। जी हाँ, आपने सही सुना, पृथ्वी के नीचे भी एक खुफिया महाद्वीप मौजूद है जिसे जिरेंडिया के नाम से पुकारते हैं। इस महाद्वीप को लेकर वैज्ञानिकों के अंदर काफी मतभेद रहे हैं, परंतु साल सन 2017 में इसे एक खुफिया महाद्वीप के रूप में घोषित किया गया। फैक्ट नंबर टू, हाल ही में इंसानों ने अंतरिक्ष में कुछ जादू ही कर दिया, जानिए क्या। आए दिन आपको अंतरिक्ष से जुड़ी कई खबरें पढ़ने को मिलती हैं, परंतु दोस्तों हाल ही में इंसानों ने अनजाने में ही सही परंतु अंतरिक्ष में एक बड़ा कांड कर दिया। पिछले कई दशकों से संचार के लिए प्रयोग करने वाले लो फ्रिक्वेंसी रेडियो सिग्नल के प्रभाव से आज पृथ्वी के ऊपर अंतरिक्ष में एक सुरक्षा आवरण बन गया है। यह सुरक्षा आवरण पेड़ पौधों और पूरी पृथ्वी के लिए किसी जादू से कम नहीं है। इसके कारण ही आज हमारी पृथ्वी सोलर फ्लेयर और रेडिएशन पार्टिकल से बच के रहता है। दोस्तों, इंफॉर्मेशन अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। फैक्ट नंबर तीन, हमारे सौर मंडल का हूबहू नकल है केपलर 90 स्टार सिस्टम। दोस्तों, हमारे और मंडल के ही तरह एक दूसरा और मंडल भी इस ब्रह्मांड में मौजूद है। आप यहां यह भी कह सकते हैं कि यह सौर मंडल हमारे सौर मंडल का ही नकल है। दोस्तों, केपलर 90 के नाम से परिचित यह सौर मंडल भी हमारे सौर मंडल की भांति ही 8 ग्रह रखता है, जो कि केपलर 90i के नाम से एक सितारे के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। फैक्ट नंबर चार, पक्षियों के अंडों का आकार अलग अलग क्यों होता है। दोस्तों, आपने अगर गौर से देखा होगा तो आपको पता होगा कि अलग अलग पक्षियों के अंडों का आकार भी अलग अलग होता है। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों होता है। एक अध्ययन से यह पता चला है कि पक्षियों के अंडों का आकार उनके उड़ने की क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। पक्षियों की जो प्रजाति अच्छे उड़ने में सक्षम होती है उनका अंडा ज्यादातर 2 छोर से नुकीली होती है, और पक्षियों की जो प्रजाति अच्छे से उड़ नहीं पाती उनका अंडा ज्यादातर गोलाकार होता है। आप इस सिद्धांत को खुद भी आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। फैक्ट नंबर पांच, हमारे सौरमंडल के कुल वजन की 99% हिस्सा सूर्य में निहित है। दोस्तों, आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि हमारे सौरमंडल के कुल वजन का 99% हिस्सा सिर्फ सूर्य के अंदर ही मौजूद है। बाकी बचे 8 ग्रह सौर मंडल के कुल वजन में सिर्फ 1% के हिस्से का ही मालिक है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहिए परफेक्ट कैप्चर बाय भानु पर। धन्यवाद। Human nose can detect over 1 trillion different scents. It's far more powerful than we realize.